अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली चीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद अपना इस्तीफा देने का फैसला किया। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ट्रंप के समर्थक उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस की निदेशक चीटल ने सोमवार को संसद में अपनी पेशी के दौरान कहा कि उनकी एजेंसी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के अपने मिशन में नाकाम रही। इस बीच दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चीटल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। चीटल ने ट्रंप पर हुए हमले को दशकों में सीक्रेट सर्विस की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता करार दिया। चीटल ने माना कि ट्रंप पर हुई गोलीबारी से पहले एजेंसी को 2 से 5 बार पूर्व राष्ट्रपति की रैली में संदिग्ध व्यक्ति के होने के बारे में बताया गया था, फिर भी चीटल ने इस्तीफा देने का कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पेंसिल्वेनिया रैली में हुई सुरक्षा संबंधी विफलता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। चीटल ने कहा, सीक्रेट सर्विस का मिशन हमारे देश के नेताओं की सुरक्षा करना है। 13 जुलाई को हम असफल रहे। सांसदों ने चीटल से पूछा कि बंदूकधारी ट्रंप के इतने करीब कैसे पहुंच गया। साथ ही उन्होंने पूछा कि स्थानीय पुलिस ने हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को संदिग्ध के तौर पर पहचान क्यों नहीं की। इसके बावजूद भी ट्रंप को मंच पर क्यों जाने दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें सीक्रेट सर्विस में अमेरिकी लोगों के विश्वास और भरोसे को फिर से बनाना है। एक एजेंसी के रूप में राष्ट्रपतियों, पूर्व राष्ट्रपतियों और कार्यकारी शाखा के अन्य अधिकारियों की सुरक्षा में इसकी अविश्वसनीय रूप से अहम जिम्मेदारी है।